ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ गुरदासपुर तो सामने आई है, जिथे कि कोऑपरेटिव बैंक नूं दूसरी बार चोरां दे वल्लों निशाना बनाया गया। जी हाँ, चोरां दे वल्लों दूसरी बार इस बैंक नूं निशाना बनाया गया। 8-9 महीने पहला ही इस बैंक दे विच चोरी हुई सी, तां दूसरी बार इस बैंक नूं निशाना बनाया गया है चोरां दे वल्लों। तां सब तो पहला उन्होंने शटर भन्निया, तो उस तो बाद विच कैंची दरवाजा तोड़ के उस तो बाद विच जदों इह बैंक दे विच दाखल होए आ, ते इन्हां दे वल्लों फोरा फलारी जिहड़ी है कीती गई है, समान इधर उधर कीता गया है। तो उस तो बाद विच ने मेन जिहड़ा गेट है वह भन्न की कोशिश की, कैश चोरी किया जा सके, पर गनीमत यह रही कि इन्हां कोल इह जिहड़ा गेट है वह भन्निया नहीं गया। उस तो बाद विच चोरां दे हत्थ जेकर पैसे नहीं लगे तो उन्होंने जनरेटर ही चोरी कर लिया, तो जिहड़ी कीमती बैटरियां ने वह चोरी कर लईआं। तो उस तो बाद विच जदों शुक्रवार नूं बैंक बंद की गई सी, तां सोमवार नूं आके जदों बैंक मैनेजर जां होरां ने देखिया तां वह हक्के बक्के रह गए, क्योंकि बैंक दे विचों जिहड़े मेन गेट सी वह भन्ने होए सी। तस्वीरां तुहाडे नाल सांझीआं कर रहे हैं, तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकदे हो कि बैंक दी हालत की होई पई है। ते इहदे नाल ही तुहानूं दस दईए कि पुलिस जिहड़ा है मौके ते पहुंची हुई है, ते पुलिस दे वल्लों जिहड़ी अपने पद्धर उत्ते कार्रवाई कीती जा रही है। पुलिस दा कहना है कि ना तां बैंक दे विच कोई अलार्म सी, ते ना ही कोई गार्ड रात दी ड्यूटी उत्ते रखिया गया सी, पर फिर भी चोरी दा मामला दर्ज कीता गया है। बैंक दी वी इह लापरवाही है कि बैंक दे विच कोई गार्ड जिहड़ा है ओह रात नूं मौजूद ना होवे, तां अजे दे विच चोर जिहड़े है उस बैंक नूं निशाना बनाउंदे ने, जिथे कि गार्ड ना होवे जां सिक्योरिटी अलार्म ना होवे। इस तरह दीआं चीज़ां दी संबंध दे विच जेकर बैंक जिहड़ा लापरवाही करदा है तां चोर जिहड़ा है उस बैंक ते अटैक करदे ही ने। तां 8-9 महीने बाद दूसरी बार इस बैंक नूं निशाना बनाया गया है। तो तुहानूं दस दईए कि वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। यह ताज़ा मामला पुलिस थाणा डेरा बाबा नानक दे अंदर पैंदे पिंड शाहपुर जाजन तो सामने आया है, जिथे कि चोरां दे वल्लों लगातार दूसरी बार कोआपरेटिव बैंक नूं बैंक दी जिहड़ी ब्रांच है उसनूं निशाना बनाया गया है। तो इस संबंधी जानकारी दिंदे हुए तुहानूं दस दईए कि बैंक दा मैनेजर भी सामने आया है। अभिषेक शर्मा दा नाम दस्सिया जा रहा है। बैंक दे मैनेजर ने दस्सिया कि शुक्रवार नूं ओह अपनी बैंक दी ब्रांच जिहड़ी है बंद करके घरां नूं वापस चले गए सी। तां अज सोमवार नूं जदों उन्हां ने बैंक दे बैंक दे दरवाजे खोलण दी कोशिश कीती तां सेवादार बैंक खोलण जदों गए ने तां मेन शटर ते कैंची गेट दीयां कुंडियां टुट्टियां होईयां सी, तां मेन दरवाजे जिहड़े भन्ने होए सी, ताले भन्ने होए सी। उन्हां ने दस्सिया कि बैंक दे सेवादार दे वल्लों मैनूं सूचित कीता गया, तां बैंक दे सेवादार ने तुरंत मैनेजर नूं सूचित कीता, दस्सिया कि इस तरह बैंक दे विच घटना हो गई है, मेन दरवाजे दे ताले टुटे पए ने। उस तो बाद विच बैंक मैनेजर जल्दी ही बैंक दे अंदर दाखल हुंदा है, तां देखदा है कि दरवाजे जिहड़े टुटे होए सी। अंदर जाके जदों उन्हां ने देखिया तां उन्हां ने देखिया कि चोरां दे वल्लों स्ट्रोंग रूम जिहड़ा है उन्होंने भी तोड़न की कोशिश की गई है, तो पर चोरां दे वल्लों ये तोड़न दे विच असफल हो गए वह स्ट्रोंग रूम नूं। तो उन्होंने दस्सिया कि चोरां दे हत्थ जेकर पैसे नहीं लगे तो उन्होंने हर पासे जिहड़े आ जांदे जांदे चोरां ने यूपीएस दीआं बैटरियां चोरी करके लै गए, तो बैंक दे वड्डे जनरेटर का बैटरा भी चोरी करके लै गए, तो इहदे नाल ही उन्होंने होर भी जिहड़ियां कीमती चीज़ां वह चोरी कीतियां ने। तां सीसीटीवी कैमरे दा डीवीआर भी वह अपने नाल लै गए, ताकि घटना दी जिहड़ी है वह किसी नूं पता ना चल सके, तो सीसीटीवी कैमरे दी डीवीआर भी नाल लै गए। तां इस घटना दे संबंध विच पुलिस नूं जदों सूचित कीता गया, पुलिस मौके उत्ते पहुंची है, तो पुलिस ने अपने पद्धर उत्ते जांच शुरू कर दित्ती है। पुलिस का कहना है कि किते ना किते बैंक की भी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि बैंक दे विच ना तां सेवादार जिहड़ा सिक्योरिटी गार्ड है वह रात तक मौजूद सी। रात नूं भी एक सिक्योरिटी गार्ड बैंक दे विच होना चाहिए, जेकर वड्डे पैमाने उत्ते वड्डी मात्रा दे विच इस ब्रांच दे विच जेकर कैश होवेगा तां एक गार्ड जिहड़ा रात नूं मौजूद जरूर होना चाहिए। तो ना तां सुरक्षा अलार्म सीगा, तां अजे दे विच चोरां दे वल्लों इस नूं दूसरी बार निशाना बनाया गया है। तो ये दस दिए कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच नूं दूसरी बार निशाना बनाया गया है। तो जदों ताले टुटे हुए सी बैंक मैनेजर दाखिल होया, तो सेवादार सवेरे सवेरे जदों बैंक खोलने लई गया तो हक्के बक्के रह गए, मेन शटर भन्ने होए सी, ताले तोड़े होए सी, तो पर स्ट्रोंग रूम टुटण ना कारण स्ट्रोंग रूम वो जिहड़ा खोल नहीं पाए, तो इस कारण जिहड़ा चोरी तो बचाव हो गया, पर जांदे जांदे बैटरियां लै गए, तो सीसीटीवी कैमरे दा डीवीआर भी नाल लै गए। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਡੀਵੀਆਰ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਡੀਵੀਆਰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਸਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? 4 ਯੂਪੀਐਸ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਾਣਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਲੇ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਲਗਭਗ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। तो सर की कहना चाहते हो आप इहदे संबंध विच? बस यही प्रशासन नूं कहना चाहते हैं कि थोड़ा रात वेले साडे बैंकां दी सुरक्षा वधाई जावे ते कोई गार्ड वगैरह जो गश्त करदे होण उन्हां नूं लगाया जावे ताकि अगे तो इहो जी अनसुखावी घटना ना वापर सके। साडे नोटिस ते जस्ट हुणी आया कि शाहपुर जाजन दे पिंड दे विच कि बैंक दे विच चोरी दी अटैम्प्ट होई है। मैं तां मेरे एसएचओ साहब डेरा बाबा नानक इत्थे आए सी। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੀਵੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।